ट्रेन में एक 18-19 वर्षीय खूबसूरत लड़की चढ़ी जिसका सामने वाली बर्थ पर रिजर्वेशन था। उसके पापा उसे छोड़ने आए थे। अपनी सीट पर बैठ जाने के बाद उसने अपने पिता से कहा, डैडी आप जाइए, अब ट्रेन तो 10 मिनट खड़ी रहेगी, यहाँ 10 मिनट का स्टॉपेज है। उसके पिता ने उदासी भरे शब्द के साथ कहा, कोई बात नहीं बेटा, 10 मिनट और तेरे साथ बिता लूँगा। अब तो तुम्हारे कॉलेज से शुरू हो रहे हैं, काफ़ी दिन बाद आओगी तुम। लड़की शायद अध्ययन कर रही होगी क्योंकि उम्र और वेशभूषा से विवाहित नहीं लग रही थी। ट्रेन चलने लगी तो उसने खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े पिता को हाथ हिलाकर बाय कहा, बाय डैडी, अरे ये क्या हुआ आपको, अरे नहीं प्लीज़। पिता की आंखों में आंसू थे। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती जा रही थी और पिता रुमाल से आंसू पोंछते हुए स्टेशन से बाहर जा रहे थे। लड़की ने फ़ोन लगाया, हेलो मम्मी ये क्या है यार। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई डैडी तो रोने लग गए। अब मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी उनको सीएफ के लिए नहीं कहूँगी, भले अकेली आ जाऊँगी ऑटो से। अच्छा बाय, पहुँचते ही कॉल करूँगी, डैडी का ख्याल रखना। ओके। मैं कुछ देर तक लड़की को सिर्फ इस आशा से देखता रहा कि पारदर्शी चश्मे में झांकती उन आँखों से मुझे अश्रु धारा दिख जाए, पर मुझे निराशा ही हाथ लगी, उन आँखों में नमी भी नहीं थी। कुछ देर बाद लड़की ने फिर किसी को फ़ोन लगाया, हेलो जानू कैसे हो, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, हाँ अभी चल रही हूँ, यहाँ से कल अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाऊँगी, मैं लेने आ जाना, आई लव यू टू यार, मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें, बस कुछ घंटे और सब्र कर लो, कल तो पहुँच ही आऊँगी। मैं मानता हूँ दोस्तों कि आज के युग में बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु बाहर भेजना आवश्यक है, पर इस बात में कोई दो राय नहीं कि इसके कई दुष्परिणाम भी हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि बाहर पढ़ने वाले सारे लड़के लड़कियां ऐसे होते, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो पश्चाताय संस्कृति की इस हवा में अपने कदम बहकने से नहीं रोक पाते और उनको माता पिता भाई बहन किसी का प्यार याद नहीं रह जाता, सिर्फ एक प्यार ही याद रहता है। वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने कैसे कैसे साधनों को जुटा कर और किन सपनों को संजो कर अपने दिल के टुकड़ों को अपने से दूर पढ़ने भेजा है, लेकिन बच्चे के कदम बहकने से उसका परिणाम क्या होता है वो ये नहीं जानते हैं। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है वो अपने माता पिता के जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। धन्यवाद।